सभापति जी, पहले कोरोना लॉकडाउन के दौरान रेलवे मंत्रालय ने दिल्ली से चलने वाली, देश में चलने वाली लोकल ट्रेन्स को, ईएमयूज को बंद करने का निर्णय लिया। दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बीच दिल्ली दनकौर, दिल्ली से खुर्जा और दिल्ली से अलीगढ़ के बीच चलने वाली ईएमयूज को भी बंद करने का निर्णय लिया था। कोरोना की सारी पाबंदियां खत्म हो गई हैं और इन ईएमयू से हजारों दैनिक यात्री दिल्ली, अलीगढ़, खुर्जा, गौतम बुद्ध नगर के बीच यात्रा करते हैं, जिसमें नौकर पेशा नौकरी करने के लिए लोग आते हैं, छोटे व्यापारी अपना व्यापार करने के लिए आते हैं और छोटे दुग्ध उत्पादक जो हैं वो अपना डिब्बों से दूध की आपूर्ति दिल्ली के लिए करते हैं। इन ट्रेनों को चलाने के लिए रेल मंत्रालय ने घोषणा भी की थी कि इनकी ईएमयू को शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन 2 वर्ष से ज्यादा समय होने के बावजूद इन लोग ईएमयू को अभी तक इनका संचालन नहीं शुरू किया गया। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि दैनिक यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए, नौकरी पेशा के लोगों की परेशानियों को देखते हुए, छोटे व्यापारियों की परेशानियों को देखते हुए इन ईएमयू को तुरंत प्रभाव से संचालन शुरू किया जाए। धन्यवाद।